अक्सर दोस्तों कोई भी हैंडपम्प पर रिपेयरिंग करने के लिए जहाँ भी गए हैं तो अधिकतर हैंडल फ्री का ही प्रॉब्लम आया है। जहाँ भी रिपेयरिंग करते हैं 100 में 80% ऐसा होता है कि हैंडल फ्री हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि पानी फिर नहीं निकलता है। तो हैंडल फ्री होने का बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, जैसा कि चैन खुल जाना। तो सबसे पहले ऊपर का ढक्कन खोल के देखेंगे चैन हमारा खुला है कि नहीं, उसके बाद रड भी खुल सकता है, या फिर रड जो लो प्लंजर के पास लगा हुआ रहता है वहाँ भी खुल जाता है, या प्लंजर फट जाता है, पल्ली खुल जाना, फट जाना, लोअर नेट का खुल जाना, उससे भी आपको क्या होता है कि हैंडल फ्री हो जाता है और आपका पानी नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे, इस हैंडपम्प को रिपेयरिंग करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कैसे हैंडल इसका फ्री हुआ है और जो भी पार्ट्स क्या क्या खराब हुआ है उसको भी रिप्लेस भी करना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसका मुंडी खोल लिए हैं, खोलने के बाद पूरा पाइप को निकालना पड़ेगा। जैसा कि देखिए इसमें चैन खुला हुआ नहीं था, इसका रड भी नहीं खुला हुआ है, तो इसका प्रॉब्लम होगा तो सिलेंडर के अंदर ही प्रॉब्लम होगा। तो पूरा इसको खोल के निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है।
जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसमें पूरा जितना पाइप रॉड था सभी को खोल लिए हैं, उधर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था। सिलेंडर को खोलने के बाद फिर पता चला कि इसका जो लॉयर नट जो है, जैसा कि देखिए खोल लिए हैं, ये लॉयर नट में इसमें प्रॉब्लम आ गया है, इसमें पूरा ख़त्म हो गया, घिस गया है। पहली बार ये खुला, जब से ये हैंडपम्प लगा हुआ है तब से ये लॉयर नट पहली बार खुला, और देखिए इसके बदले में नया लॉयर नट लेके आए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों प्लंजर का सेट भी चेंज करेंगे, कि वो भी पूरा घिस गया है। घिस के क्या होता है कि दोस्तों, जब घिस जाने के कारण उसका जो वाशर उसमें लगा हुआ रहता है वो सही से खुल नहीं पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फिर पानी खींचता नहीं है, जब खींचता नहीं है तो फिर वो फ्री हो जाता है। तो सबसे पहले लॉयर नट को इसमें लगा लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा इसमें देखिए, ये NRB के जैसा ही काम करता है, ये मतलब एक तरफ से पानी जाएगा और एक तरफ से पानी रोकेगा। तो नीचे से पानी जब खींचेगा तो ऊपर से क्या होता है दोस्तों, ये लॉक हो जाता है इसमें, इसे वाशर लगा हुआ रहता है, नट लगा के कसा जाता है। और ये रहा दोस्तों देखिए प्लंजर, तो इसमें दोस्तों दो पल्ली लगेगा, तो पल्ली भी नया ले आए हैं। और इसमें देखिए इस प्लंजर में वाशर कैसे लगाया जाता है, देख सकते हैं छोटा सा एक वाशर रहता है, यही मेन इसका खेला रहता है। अगर ये आपका सही से अप डाउन नहीं होगा तो फिर पानी आपका नहीं आएगा और फ्री हो जाएगा। हैंडपम्प का मेन फ्री होने का रीज़न जो रहता है दोस्तों, यही होता है, आपका ये वाशर सही से अप डाउन नहीं होगा तो आपका हैंडपम्प फ्री हो जाएगा। तो इसमें वाशर लगा लिए हैं, वाशर लगा के चलिए अब इसमें पल्ली को भी लगाएंगे इस प्लंजर सेट में। तो हमारा इसमें टोटल दो पल्ली लगेगा दोस्तों, दोनों पल्ली नया लगा दे रहे हैं प्लंजर में, जब नया प्लंजर सेट लग रहा है तो पल्ली भी नया लगा दे रहे हैं, ताकि दोबारा फिर एक प्रॉब्लम के चलते दोबारा फिर खोलना ना पड़े। तो लोअर नट और प्लंजर सेट दोनों इसमें चेंज हो रहा है दोस्तों, दोनों इसमें लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसको पूरा फिटिंग करते हैं, टाइट कर लेते हैं बढ़िया से इसको। टाइट करने के बाद पूरा ऐसा टाइट करना है कि हाथ से ही टाइट करना है, थोड़ा सा रेंच से आप हल्का सा टाइट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ऐसा ना कि फट जाए। अब इसको देखिए रड में लगा ले रहे हैं, रड में लगाने के बाद फिर इसको सिलेंडर में घुसा के फिट कर देंगे।
चला रही थी सकते नहीं है।